For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Well, एक कहावत है, कहावत नहीं गाना है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और यहाँ पर मेरे साथ बाजीगर ही बैठे हुए हैं क्योंकि भले ही ये बिग बॉस नहीं जीते लेकिन अंदर जाकर और जब ये बाहर आए हैं लोगों का दिल जीत कर जरूर निकले हैं। सो सबसे पहले तो खेसारी सर, वेलकम टू मूवीज अड्डा। हाँ, मूवीज अड्डा के देखने वाले जितने भी लोग हैं सबको दिल से प्रणाम, और आप इनको सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार भी दीजिए, और हिंदुस्तान के सारे आयाम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना आप सबको, और दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। मेरे भोजपुरी समाज के लोग, जितने भी भोजपुरी बोलने वाले हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों ने जो मेरे लिए सपोर्ट और प्यार और मेरे लिए वोट किया आशीर्वाद के स्वरूप, आप लोगों ने जो मुझे मोहब्बत दिखाई उसके लिए दिल से थैंक यू। सर, कैसा एक्सपीरियंस था? ऑफ कोर्स बहुत आपने सवालों के जवाब दिए कि ऐसा क्यों निकल गए, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी अगर एक लाइन में आप अपने इस एक्सपीरियंस को बताना चाहें कि इतने दिन घर में कैसा लगा। देखिए, एक जीवन में हर चीज़ का अनुभव इंसान को लेना ही चाहिए। हम जो सोचते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस जगह पे वही चीज़ें हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमें लगता है कि वहाँ चीज़ें ऐसी होगी। मैं ये सोच के वही गया था कि मैं एक संगीत का, मैं गाने वाला आदमी हूँ, मैं नाचूंगा, डांस करूँगा, इंजॉय करूँगा, बट जाने के बाद वहाँ मुझे पता चला कि नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। यहाँ तुम कितना अच्छा गाली दे सकते हो, कितना अच्छा झगड़ा कर सकते हो, प्याज पे कैसी लड़ाई कर सकते हो, टमाटर पे कैसे लड़ सकते हो, तो मेरा जॉनर वो था ही नहीं। और मैं जिस जॉनर का आदमी हूँ, मैं अपने माँ बहन की इज्जत करना जानता हूँ तो दूसरे की भी माँ बहन की इज्जत करना चाहता हूँ, और मुझे शोहरत वैसा नहीं चाहिए जो किसी की माँ बहन को गाली देकर मिले। तो इसलिए शायद मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता था, और मैंने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं, आज तक नहीं देखा था। पहली बार बिग बॉस डायरेक्ट कर ही लिया तो मुझे लगा जी नहीं यार, मैं वही करता हूँ, मैं उसी के लिए बुलाया जाता है। अगर मैं भोजपुरी गाना गाता हूँ तो कोई मराठी गाने तो बुलाएगा नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई वहाँ जाकर मुझे मराठी गाना था जी। अलग जोन था मेरा, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था समझने में, बट कोई नहीं, एक अनुभव मिला मुझे कि मुझे लगा भी, जबकि बिग बॉस का कहीं से नहीं था कि आप वहाँ गाली दीजिए और आप वहाँ पे किसी से झगड़ा करिए, बट वहाँ के माहौल इतने गंदे हो गए थे कि वहाँ गाली देना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप गाली दोगे तो शो में दिखोगे, नहीं तो नहीं दिखोगे, आप झगड़ा करोगे तो दिखोगे, नहीं तो नहीं दिखोगे। और मैं अपने आने वाली पीढ़ी को ये संकेत नहीं देना चाहता था कि मैं कितना गंदा हूँ, जो कि मैं हूँ ही नहीं। उस माहौल में आकर मैं अपने आप को चेंज कर लूँ, इससे अच्छा है कि मैं माहौल ही चेंज कर लूँगा। हाँ, तो मेरा मानना यही है कि अगर मेरे लिए जगह गंदा है तो मैं इस जगह पे रहना पसंद नहीं करूँगा, मैं इस जगह से हटना पसंद करूँगा। तो शायद मैं वही किया कि नहीं मुझे रहना नहीं है, मैं जा रहा हूँ भाई, और मैं निकला तो बड़ा प्यार मिला मुझे जिन लोगों ने, और पब्लिक के वोट से मैं नहीं निकला, मैं घर के लोगों के, हाँ, पब्लिक के वोट से निकालना, हाँ, पब्लिक के वोट से निकालना, तो मुझे लगता है कि 10 सप्ताह और भी रहता, मैं बढ़ाना पड़ता बिग बॉस को कि नहीं खेसारी तो निकली ना, वोट तो मान ही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे अपने पब्लिक और जनता पे विश्वास था, क्योंकि इनको मैं भगवान की तरह मानता हूँ, तो मुझे इन पर विश्वास था, बट घर वालों के नॉमिनेट करने की वजह से मैं निकला हूँ। लेकिन वही घर वाले जिन लोगों को मैं पसंद नहीं था, मैं जिनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, वो 12 के 12 लोग खेसारी के लिए रो रहे थे, और सबने बोली एक ही बात, आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो मुझे लगा जे मैं सबके दिल में एक अपनी छाप छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं बिग बॉस तो यहीं जीत गया कि मैं उनके नज़र में जब अच्छा बन गया जो जीतने के लिए गए हैं, और मैं उनके दिलों को जीत लिया, तो मैं वहीं जीत गया कि मेरे लिए ट्रॉफी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। जिनको पूरी दुनिया जिताना चाहती है, आज उनके नज़र में मैं जीत गया, और उनके नज़र में मैं हीरो हूँ कि यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो, यही तो सुनना था मुझे। मुझे उसकी लड़ाई से, क्योंकि मैं जिस हिसाब से गया था ना, मैंने किसी की माँ बहन को गाली दी, ना किसी से लड़ाई की, हाँ मैंने अपने ताकत को दिखाया टास वाले, वो शैतान वाले टास में। सलमान ने भी आपको अप्रिशिएट किया था कि हाँ। स्ट्रैटेजी आपकी थी, तरीका आपका था, हाँ। 3 राक्षस टास्क में, लेकिन क्रेडिट आपको नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, जनता ने देखा, लेकिन जनता ने तो देखा ना जी। मुझे, मैं क्या बोला आपसे, मुझे कोई क्रेडिट दे या नहीं दे उससे मुझे कोई फर्क नहीं, मैंने जो किया है वो मुझे पता है जी। मैं खुद को विश्वास दिला दूं यही मेरे लिए बहुत है। यहाँ लोग खुद को ही विश्वास नहीं दिला पाते हैं, जब आप खुद को विश्वास नहीं दिला पाओगे तो दुनिया को क्या विश्वास दिला पाओगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी लूज नहीं होना चाहिए, और मैं जहाँ जो करता हूँ वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे पे, मुझे पता है कि मेरा क्या है, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि उस पर रहूँ। अगर मैं घर के अंदर की बात करूँ, किसका रिश्ता आपको सबसे ज्यादा फेक लग रहा था घर के अंदर? जैसे बहुत सारे रिश्ते आपको
ऑफकोर्स पारस माहिरा का है, सिद्धार्थ और सना का है, आसिम और सिद्धार्थ का भी था अभी तक तो कहीं ना कहीं आपको किसका रिश्ता ऐसा लगा कि यार ये सिर्फ कैमरास के लिए है, ये रियल में नहीं है, आगे चल के नहीं चलेगी दोस्ती? आप बाहर से देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा था? हमें तो आसिम और सिद्धार्थ ही लग रहे थे कि शायद उनकी दोस्ती सच्ची नहीं थी। नहीं, वहाँ किसी की दोस्ती अच्छी नहीं है वहाँ, क्योंकि हर आदमी एक गेम, क्या बोलते हैं, गेमर ना, हर आदमी वहाँ गेम खेलने गया है, कोई दोस्त नहीं बनाने गया है। अगर वो दोस्त होते, अच्छा वो अपनापन होता तो लड़ाई क्यों होती, झगड़े क्यों होते, नहीं होता ना। तो मेरे हिसाब से वहाँ हर आदमी अपना गेम खेलने गया है, तो हम उस पर विचार करना ही हमें जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अपना फालतू का एक घंटा बर्बाद करते हैं जी। सब लोग गेम खेलने गए हैं, हम उसको गेम के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम इसको इंजॉय कर पाएंगे, बट दोस्ती के हिसाब से देखकर हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ कि हमने एक अलग ही रूप भी देखा आपका वहाँ पर, यू नो, खेसारी से कैश बनते हुए भी नजर आया आप हमें, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ कहेंगे, क्योंकि ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, वो मेरा नहीं था, मैं किसी क्रेडिट नहीं ले सकता इसलिए, क्योंकि वो पारस का था। ओ, पारस ने वैसे किया था मुझे, और क्योंकि मैं कभी मोच हटाया ही नहीं था, तो पहली बार उसने मुझे किया, और लोगों को कितना अच्छा लगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन घर वालों को मजाक बन गया। नहीं, लोगों को तो बेहद पसंद आया, घर वालों ने मेरी मजाक बहुत उड़ाई, कैस की वो, मैंने बहुत मजाक उड़ाया उन लोगों ने मेरा, लेकिन बट ठीक है, मुझे इसलिए अच्छा लगा कि कम से कम किसी के मजाक के पात्र तो बना मैं, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। हसाना पुण्य का काम होता है। यस यस, तो मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि चलो कोई नहीं। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ घर में सबसे स्ट्रॉन्ग गेम आपको किसका लगता है, किस एक कंटेस्टेंट का गेम आपको सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है, चाहे अच्छे वे में बुरे वे में, पर सबसे स्ट्रॉन्ग है? देखा जाए तो मुझे लगता है कि पारस और शहनाज, ये दो लोग बड़े अच्छी तरह से गेम खेल रहे हैं, सबके साथ रिलेशन भी है और किसी के साथ भी नहीं है, तो बेटर है उनके साथ, बीच में चल रहे हैं। तो जाते जाते फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को आगे करने के लिए, अगर आपको कोई मौका मिले ना, तो इंसानियत के साथ अपने आप को आगे कर लेना, किसी को गाली गलौज करके नहीं, झगड़ा करके नहीं, सलीनता के साथ अपने जीवन को चलाना, ताकि आने वाले पीढ़ी आपको याद करके ये ना कहे कि वो गाली देकर आगे बढ़ा था तो मैं भी गाली देकर आगे बढ़ सकता हूँ, ये कहे कि यार वो बहुत मेहनती आदमी है और बड़े सच्चे तरीके से अपने जीवन को चलाया, और पूरी दुनिया आपको फॉलो करे, और अपने माँ बाप का हमेशा इज्जत करिए, औरतों का हमेशा इज्जत करिए, उस लक्ष्मी की तरह पूजिए, शायद आपको सम्मान वो औरत की तरफ से भी मिलेगा। थैंक यू, लव यू। ऑल्सो जाते जाते, क्योंकि ऑफकोर्स जो आपका सबसे पॉपुलर ट्रैक है, वैसे तो सारे गाने पसंद करते हैं लोग, लेकिन अभी तक सिर्फ यूपी भोजपुरी यहाँ नहीं, ये गाने ने तो पूरे देश में धमाल मचा रखा है, तो प्लीज दो लाइनें उस गाने की भी। सबका डर से हुए हैं फरारे, अब छपड़ा लवट के न जाएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो देख लिया आपने इंटरव्यू, इंटरव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को, ढेर सारा प्यार और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और इनको ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।